फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल BTN पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लेसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय ऑफ 8th क्लास साइंस। इन लास्ट क्लास वी रीड अबाउट द हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट टॉपिक, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो हानिकारक हैं कई तरीकों से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, इंसानों के अंदर, पौधों के अंदर और पशुओं के अंदर रोग फैलाते हैं, डिजीज स्प्रेड करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। कि जो ये बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं इनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, 1 मार्क में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर लेता है ये। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो भोजन को खराब कर देते हैं, कपड़ों को खराब कर देते हैं और लेदर को खराब कर देते हैं। चलो उनके बारे में आगे पढ़ते हैं कि उनकी जो हार्मफुल एक्टिविटीज हैं कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। यानी कि जो इंसान के अंदर बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो कौन से हैं, वो रीड करते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। कि जो पैथोजेंस हैं यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारी फैलाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कैसे एंटर करते हैं, हवा से जो हम अंदर देते हैं सांस लेने के लिए, पानी से जो हम पीते हैं और भोजन से जो हम खाते हैं। इन तीनों माध्यमों से पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। यानी कि ये हमारे अंदर या तो सीधे तौर पर प्रेषित हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए और वो संक्रमित हो उससे भी हमारे अंदर प्रेषित हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, या फिर किसी जानवर के ऊपर ये उपस्थित हो उससे भी हमारे अंदर ये प्रेषित हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेज। जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो कौन से होते हैं, कि ऐसे माइक्रोबियल डिजीजेज, ऐसी सूक्ष्म जीव से फैलने वाले बीमारी जो किसी संक्रमित व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति के अंदर चली जाए, किस माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या फिर किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के माध्यम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि कौन से डिजीज के, कम्युनिकेबल डिजीज के। ठीक है, व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। यानी कि जब एक व्यक्ति जो जिसको क्या है, जुकाम है, वो छींकता है तो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स हैं, बूंदे हैं मॉइस्चर की, ठीक है, छींक के साथ बाहर आती हैं और उनके अंदर, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर, बूंदों के अंदर, ठीक है, जो फाइन ड्रॉपलेट्स उसके छींकने से बाहर आई हैं उसके अंदर क्या है कि थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों की मात्रा में क्या है, वायरस है और उस वो वायरस हवा में फैल जाता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रेथिंग। और कोई हेल्दी व्यक्ति अगर उसके साथ में है, ठीक है, और सांस लेता है, उस सांस के साथ वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। नेक्स्ट है, देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कि कुछ ऐसे इंसेक्ट, कीड़े और पशु हैं जो क्या है, कैरियर की तरह काम करते हैं, ठीक है, किसी बीमारी का कैरियर, ठीक है, उसकी तरह काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। कि जो घरेलू मक्खी होती है वो भी इसी तरह की एक कैरियर है, ठीक है, ये डिजीज कैरियर है।
The flies sit on the garbage and animal excreta. कि जो ये जो फ्लाई है हाउस फ्लाई, ठीक है, घरेलू मक्खी, ये कूड़े पर बैठती है और जो पशुओं का वेस्ट होता है उसके ऊपर बैठती है. पैथोजन्स स्टिक टू देयर बॉडीज, और जो पैथोजन्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनकी बॉडी से चिपक जाती हैं. व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन्स. जब ये मक्खियाँ भोजन के ऊपर यानी कि अनढके भोजन के ऊपर बैठती हैं तो जो पैथोजन्स हैं उनकी बॉडी से कहाँ फूड के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकते हैं. वो एवर इट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक. अब जो भी संक्रमित भोजन को खाएगा वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा. सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. तो ये सलाह दी जाती है हमेशा से ही कि भोजन को क्या करें, हमेशा ढक के रखें. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, यानी कि ऐसा भोजन जो ढका हुआ नहीं है उसको कंज्यूम यानी कि उसको ग्रहण करने से बचें. अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. कि एक और जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है ऐसे ही डिजीज कैरियर एनिमल का, वो क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. जो क्या कैरी करती है अपने साथ अपने बॉडी के ऊपर, मलेरिया के पैरासाइट. फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. कि एक तरह की जो एडीज मॉस्किटो है, मच्छर है, वो क्या कैरियर करती है अपने साथ, किसको, किस तरह के पैथोजन्स को ढोती है अपने साथ, डेंगू वायरस को. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. कि हम डेंगू और मलेरिया की संक्रमण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं. ऑल मॉस्किटोज ब्रेड इन वाटर. कि जितने भी मच्छर हैं वो कहाँ पर ब्रीडिंग उनकी कहाँ पर होती है, पानी के ऊपर होती है. हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर. तो किसी को भी क्या करना चाहिए कि पानी को कहीं पर भी जमा नहीं होने देना चाहिए. इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर पानी हमेशा जमा हो जाता है, ठीक है. इन जगह पर पानी को हमें जमा या फिर लंबे समय तक नहीं रखे रखना है. बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. कि अगर हम अपने आसपास के जो वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको सूखा रखें और साफ रखें तो हम मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोक सकते हैं. ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. कि आप एक सूची बनाइए, ठीक है, ऐसे कदमों की सूची बनाइए जो उठाए जाने चाहिए क्या अवॉइड करने के लिए, मलेरिया को अवॉइड करने के लिए बनाए जाने चाहिए, ठीक है. आगे रीड करते हैं. ये टेबल है, इस टेबल में देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें दिखा रखा है ह्यूमन डिजीज, यानी कि इंसान के अंदर जो रोग फैलते हैं वो कौन से हैं, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, आगे भी हैं, ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट में इनसे फैलने वाले क्या है, मतलब कि जो बीमारी है, जो ह्यूमन डिजीज है, ठीक है, उनको फैलाने वाले क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. नेक्स्ट में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये जो बैक्टीरिया हैं ट्यूबरक्लोसिस के, वो किस माध्यम से हमारे अंदर प्रेषित होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वो क्या है, एयर है. यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि बचाव के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कौन से यहाँ पर हैं, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर है, ठीक है. तो ये आपको लर्न करने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा. आगे है, सम ऑफ द कॉमन डिजीजेस affecting humans, their mode of transmission and few general methods of preventive are given in table 2.1. ये मैंने जैसा बताया या कि कुछ डिजीज हैं जो इंसानों को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और उनका जो मोड है ट्रांसमिशन का, ठीक है, वो और जो जनरल मेथड होते हैं प्रिवेंशन के, बचाव के जो तरीके हैं, वो यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं टेबल के अंदर, आपको लर्न करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, यानी कि पशुओं के अंदर बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव. सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स,
बट आल्सो इन एनिमल्स, के बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो इंसानों के अंदर ही बीमारी नहीं फैलाते बल्कि पशुओं के अंदर भी बीमारी फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाई ए बैक्टीरियम। यानी कि एंथ्रेक्स एक तरह का एक डिजीज है, एक बीमारी है जो इंसानों और पशुओं के अंदर, कैटल्स के अंदर पाई जाती है। और किसके कारण होती है ये इंसानों और पशुओं के अंदर, कैटल्स के अंदर? बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। हिंदी में एंथ्रेक्स को बिसहरिया बोलते हैं। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय ए वायरस, ये एक तरह का डिजीज है फूट एंड माउथ, ठीक है, बीमारी है जो कैटल्स के अंदर, पशुओं के अंदर पाई जाती है और ये किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, की बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव किन के अंदर? पौधों के अंदर। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, की बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी फैलाते हैं अलग अलग पौधों में। किस तरह के पौधों में? ठीक है, जो वीट है, गेहूँ है, चावल है, टमाटर है, ठीक है, गन्ना है, एक्सेट्रा। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो बीमारी होती है वो जो पैदावार होती है किसी भी फसल की उसको कम कर देते हैं। सी टेबल 2.2 फॉर सम सच प्लांट डिजीज, कि आप 2.2 टेबल देखिए, कुछ प्लांट डिजीज डिस्क्राइब उसके अंदर कर रखे हैं। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स, कि इन बीमारियों को हम कुछ स्पेशल किस्म के, सर्टेन किस्म के, विशेष किस्म के केमिकल्स को, रसायनों को उपयोग मिलाकर हम इन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। तो यहाँ पर देखो टेबल 2.2 में ये प्लांट डिजीज हैं, ठीक है, और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं वो, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रीड करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।